ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत सरकार जिस तरह इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दे रही है, उससे ये तो तय हो गया है कि भारत का आने वाला भविष्य इलेक्ट्रिक और सौर ऊर्जा नियंत्रित होगा। और इसके लिए भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को नया मानक बनाने पर भी जोर दे रही है। और आत्मनिर्भर भारत के तहत अब नए व्यवसायों को इतना प्रोत्साहन मिला है कि अब भारत स्टार्टअप हब बनने की ओर अग्रसर हो चला है। वहीं भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और अब इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां फरीदाबाद स्थित इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता ओमेगा सेकी मोबिलिटी ने करीब 1900 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर निर्माण संयंत्र स्थापित करने की बड़ी योजना की घोषणा कर दी है। कंपनी के अनुसार ये संयंत्र दुनिया का पहला सबसे बड़ा तिपहिया निर्माण करने वाला होगा। यहां हम बता दें कि ओमेगा सेकी मोबिलिटी की योजना के अनुसार कर्नाटक में निर्मित होने जा रहा ये विशाल तिपहिया वाहन उत्पादन संयंत्र के लिए 250 एकड़ भूमि आरक्षित कर ली गई है। इसमें 10 लाख इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर का उत्पादन एक साल में होगा। कंपनी को उम्मीद है कि आगामी वित्त वर्ष तक इसमें उत्पादन शुरू भी हो जाएगा और इससे हजारों की संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। बता दें कि दोनों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तिपहिया वाहन की मांग बढ़ती हुई जा रही है। यहां बता दें कि वित्त वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में संगठित इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर बाजार में 200% की वृद्धि हुई है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ हम आपको बता दें कि ओमेगा सेकी मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी भारत को दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर बाजार बनाना चाहती है। कंपनी के संस्थापक चेयरमैन उदय नारंग ने कहा है कि हम न केवल भारत में बल्कि दुनिया में तिपहिया बाजार के मार्केट में लीडर बनना चाहते हैं और 10 लाख यूनिट की क्षमता वाली हमारी मेगा फैक्ट्री इस लक्ष्य की ओर पहला कदम है। ओमेगा सेकी मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक ब्रांड बन चुकी है। भारत में इसकी सफलता के बाद अब यह कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने की योजना बना रही है। मतलब देश की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही साथ दुनिया में भी ये थ्री व्हीलर एक्सपोर्ट किए जाएंगे। यहां हम बता दें कि ये कंपनी लंबी दूरी तेजी से चार्जिंग और स्वैपेबल क्षमता के साथ एकमात्र कंपनी है और इसने कोरियाई कंपनी जेसुनटेक के साथ भी संयुक्त उद्यम स्थापित किए हैं। यह कंपनी इन हाउस मोटर और बैटरी पैक बनाने की भी योजना बना रही है। मतलब अब भारत एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसको हासिल करते ही भारत एक नया कीर्तिमान बना लेगा।